नमस्कार दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला क्या खाएं जिससे उनके आने वाला शिशु गोरा पैदा ले और गोरा के साथ ही वो बहुत बुद्धिमान हो और उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो, इन डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार की कमी न हो। तो आप आज के इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको बता दूं, हर गर्भवती महिला चाहती है कि उनका बच्चा जब इस दुनिया में आए तो वो बिल्कुल सुंदर सा हो और प्यारा सा हो। तो इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान उनको खास चीज़ों का सेवन करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं उन्हीं खास चीज़ों के बारे में। तो पहली चीज़ है संतरा। आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान आप संतरे का जूस या संतरा दोनों का सेवन करें। इन दोनों को सेवन करने से आपके नवजात शिशु को गोरा बनाए रखने में ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु के रंग को निखारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दूसरी चीज़, गर्भवती महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आयरन भरपूर मात्रा में होने की वजह से आपके गर्भ में पल रहा शिशु बिल्कुल स्वस्थ होता है और वह सुंदर होता है। तीसरी चीज़, केला। आपको मैं बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान केला खाने से आपके गर्भ में पल रहे शिशु को कई सारे फायदे होते हैं। इसके अलावा अगर आप केला खाती है तो केले में फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की त्वचा को निखारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। चौथी चीज़, अंगूर। आपको मैं बता दूँ, ताज़े अंगूरों का सेवन नियमित रूप से आपको करते रहना चाहिए। आपको बता दूँ, आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अंगूर का सेवन न करें, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से आप अंगूर और अंगूर के रस को नियमित रूप से पीते रहें, यह आपके गर्भस्थ शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी भी प्रकार की आने वाली संक्रमण या बीमारियों को होने से रोकता है। इसके अलावा उनकी त्वचा में निखार लाता है यह अंगूर का जूस। पांचवी चीज़, चुकंदर। आपको बता दूं, चुकंदर का सेवन लगभग सभी गर्भवती महिला करती है, लेकिन अगर आप नहीं करती है तो आप चुकंदर का सेवन ज़रूर करें। चुकंदर कई गर्भवती महिलाओं को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन अच्छा लगे या न लगे, लेकिन उनको थोड़ा चुकंदर का सेवन नियमित रूप से प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। इससे उनके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होती है। इसके अलावा चुकंदर का जूस अगर आप पीती है तो इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ रहता है और वह सुंदर पैदा लेता है। अगली चीज़ है, आपको केसर वाला दूध जरूर पीना चाहिए। आपको बता दूँ, आप रात को सोते समय प्रेगनेंसी के दौरान एक गिलास गर्म दूध तो पिए ही, लेकिन दूध पीते समय इस बात का ध्यान रखें कि दूध में थोड़ा केसर डालकर पिए। इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु के रंग को निखारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और आपके गर्भ में पल रहा शिशु बिल्कुल स्वस्थ रहता है अगर आप ऐसा करती है तो। तो यही सब थे वो कुछ चीज़ें जिनका सेवन अगर गर्भवती महिला करती है प्रेगनेंसी में तो इनसे उनके आने वाले शिशु को गोरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही सब थी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। वीडियो से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही आप वीडियो को शेयर जरूर करें।